अस्सलाम वालेकुम, सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। कल से आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो न्यूज़ मिल रही होंगी MA MSc को लेकर। मुझे नीचे वीडियोस में ना कुछ स्टूडेंट्स ने लिंक भी सेंड किए थे कि क्या ये रियल न्यूज़ है, यानी कि MA MSc के ऊपर से पाबंदी हटाई गई है। मैं आप लोगों को कम्प्लीट गाइड कर देता हूँ, नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते होंगे तो आप लोग भी अप्लाई कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चले वीडियो शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी का दिखाया जा रहा है। ये कल से ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इसमें फ्रेश एडमिशन ओपन हो गए हैं, ये है वो है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सिर्फ उन बच्चों को चांस दिया गया है जिनका MA MSc पार्ट वन पास है और MA MSc पार्ट टू रह गया था, चांस ख़त्म हो गए थे, सप्लीज आ गई थी, होल फेल हो गए थे, डिवीजन इम्प्रूव नहीं कर सके थे, उन बच्चों के लिए ये एडमिशन ऑफर हुए हैं और वो भी HEC से इजाज़त लेकर, क्योंकि पहले HEC इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा था, बच्चों की डिग्री वेस्ट हो रही थी, डिग्री नहीं मिलनी थी क्योंकि पार्ट वन पास था, पार्ट टू पास नहीं था। तो अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जिन बच्चों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले पार्ट वन पास किया हुआ MA MSc का, उन बच्चों को चांस दोबारा दिया गया है कि आप लोग अपना पार्ट टू पास कर लो। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक दाखिले भेज रहो, ठीक है, और पेपर दो। और ये एग्ज़ाम जो होगा ना, ये एज अ होल अपीयर होने के लिए लास्ट एग्ज़ाम है, यानी कि अगर इसके बाद भी बच्चा होल फेल होता है तो वो बाहर है, उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट एग्ज़ाम टू अपीयर एज अ होल। अगर अगली बार आप होल फेल हो गए तो आप लोग टोटल बार हो, आपकी डिग्री ज़ाया हो जाएगी। हाँ, अगर एक दो सप्ली आ जाती है तो फिर आपको चांस दिया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए दाखिले ओपन हुए हैं, बाकी MA MSc के ऊपर से पाबंदी नहीं हटाई गई। बाकी ये रियल न्यूज़ है कि जिनका पंजाब यूनिवर्सिटी से पार्ट वन पास है वो अपना पार्ट टू पंजाब यूनिवर्सिटी से जल्द से जल्द अपना कंप्लीट कर लें। आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है कि आप अपना पार्ट टू पास करके अपनी MA MSc की डिग्री हासिल कर सको। और ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी बिजी थी HEC के साथ ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी खुद ओपन करती तो बाद में HEC ने वेरीफाई नहीं करनी थी डिग्री, तो इसलिए HEC की परमिशन के साथ ये दोबारा ओपन किए गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।